कि जब भी आप अपनी वीडियो बनाइएगा तो आप वीडियो में कुछ चीजों के पीछे मत भागिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है डू, क्या आपको करना है, और दूसरा है जो आपको नहीं करना है। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, डोंट्स होगा। तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, पहले हम समझते हैं क्या नहीं करना है। तो आपको ना व्यूज के पीछे नहीं भागना है कि व्यूज के लिए कुछ भी करने लगो, व्यूज के पीछे नहीं भागना है। पीछे भागने का मतलब ये नहीं कि व्यूज के बारे में आप उससे रिलेटेड काम ही ना करो, बट व्यूज के पीछे यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, हम तो 15 दिन से वीडियो बना रहे हैं, मेरी वीडियो पे 10 ही व्यूज आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज के पीछे मत भागना, सब्सक्राइबर्स के पीछे मत भागना कि यार मेरी वीडियो पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे तो आप कतई मत भागना। एक काम आप और करना, जब भी आप अपनी वीडियो बनाइए तो वीडियो बनाते टाइम काफी बार हम दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपके सबके साथ भी होता होगा। दूसरे से इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या होता है ना, कि आपने डॉक्टर विवेक बिंदा सर की वीडियो देखी है, एकदम बोलते हैं धड़ 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 धड़, बहुत तगड़ा बोलते हैं, समझ गए मेरी बात। इसके अलावा अगर आपने देखी हो संदीप महेश्वरी सर की वीडियो, वो कैसे बोलते हैं। अब काफी बार हम लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखी, वो धड़ धड़ बोले, हम भी वीडियो में धड़ 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 बोल के चले गए, समझ गए मेरी बात। हम उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, हमने 2-4 वीडियो देखी तो हम उस टाइप का कंटेंट देने की कोशिश करते हैं कि यार ये लोग पसंद करते हैं, उस किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा बनना है, बस मेरी बात ये ध्यान रखो। जब भी आप अपनी वीडियो बनाइए तो आप एक अपना टाइप दूसरों को दीजिए, किसी के टाइप से मत करिए काम। आप एक जिस टाइप के आप हो, आप धीरे बोलते हो धीरे बोलो, तेज बोलते हो तेज बोलो, बनावटी नहीं बनना है आपको, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत ज्यादा जरूरी है क्या हाँ बहुत बढ़िया चीज आपने बोली, बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक जैसे हो वैसे रहना, बनावटी बनने की कोशिश मत करना कि यार सामने वाला ऐसे बोलता था तो हम ऐसे बोलेंगे, ये ऐसे कर रहा था ऐसे करेंगे, किसी को देख के नहीं करना है। आप जिस टाइप के हो, जिस टोन में बोलते हो, धीरे बोलते हो धीरे बोलो, तेज बोलते हो तेज बोलो, जो आपका टोन है ना वैसे बोलो। एक एग्जाम्पल और है, सौरभ भटनागर सर, उनका जब आप सुनोगे ना तो वो जब बोलते हैं ना तो उनका देखो ना थोड़ा तोतले टाइप के हैं वो, मतलब उनकी जबान थोड़ा लगती है और वो जब बोलते हैं तो तोतलापन सा लगता है। वो खुद कहते हैं अपने इंटरव्यूज में और लोगों को बताते हैं कि लोग मैंने तो पहले तोतला बोलते थे, समझ रहे हो। तो बट उनको उनसे चीज से कोई मतलब नहीं था, वो जैसे हैं वैसे हैं, खत्म बात। आपके दांत बाहर निकले तो लोगों को दांत दिखाओ, खत्म बात, समझ गए ना। उसको छुपाने की कोशिश मत करो, छुपाओगे तो लोगों को दिखेगा, दिखाओगे तो लोग देखेंगे ही नहीं। बी ऑथेंटिक, जैसे हो वैसे रहना अपनी वीडियोस में, ठीक है। इससे आपको आपकी ऑडियंस कनेक्ट होगी, ये एक तरह का इमोशनल टच भी है, लोगों को लगेगा कि यार ये सामने वाला बंदा रियल है, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं। करना क्या है आपको, आपको करना क्या है ना कि आपको कंटेंट रिसर्च करनी है। कंटेंट रिसर्च में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपका टॉपिक क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, लोगों की डिमांड क्या है। इसके लिए आप अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, जो अच्छी वीडियोस जा रही है उनके कमेंट्स को जाकर के पढ़िए, ऑडियंस क्या चाहती है, क्या डिमांड है, इस टाइम पर क्या चल रहा है। अपने कंटेंट की क्वालिटी को अल्टीमेटली आपको बढ़ाना है, कंटेंट रिसर्च करनी है और कंटेंट की क्वालिटी पे काम करना है, ठीक है। और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी कई टर्म्स में हो सकती है, जैसे आपने जो वीडियो बनाई उस वीडियो में लोगों को क्या सिखाया, आप और ज्यादा सीख करके और ज्यादा बेहतर नॉलेज दे सकते थे, ठीक है। जैसे मैं यहां पर आज ये वीडियो बना रहा हूं, मैं कुछ समझ के या कुछ पढ़ करके या पास्ट हमारी जो जानकारी उससे मैं बता रहा हूं, वो जानकारी हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कॉन्टेंट का क्वालिटी बढ़ता जाएगा, यानी अगला जो बैच आएगा उसमें शायद मैं और अच्छा डिलीवर करूं और अच्छा डिलीवर करूं। इस तरीके से हम धीरे धीरे उसी पे स्टक नहीं रहना है कि नहीं अब तो मैं महाराजा हो गया, समझ रहे हो ना।
एक बार जो चीज सीख लिया तो मुझे लगा कि नहीं यार बस यही सब कुछ है, दुनिया यही खत्म, घमंड नहीं आने देना है, आपको सीखते रहना है, ठीक है। तो कंटेंट की क्वालिटी और कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अच्छी लाइटिंग, अच्छा माइक, अच्छा थंबनेल, अच्छा टैग, हर चीज अल्टीमेट आपको रखनी है। वीडियो की एडिटिंग आप अच्छी इंप्रूव करो। क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी में ऑडियो वीडियो जो आप बोल रहे हो, वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी कैसी है, लाइटिंग कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को पैरेलली आपको इन सब पे काम करना है, ये आपको करना है। आपको व्यूज के पीछे नहीं जाना, ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा, सब्सक्राइबर बाय डिफॉल्ट आएगा, आपको काम किस पे करना है। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, आप जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस को, पहली वीडियो और लास्ट वीडियो को कंपेयर करके देखो। टेक में सबसे बड़ा चैनल है टेक्निकल गुरुजी, उनकी पहली वीडियो देखो, आपसे भी गंदी थी, आपकी पहली वीडियो से भी गंदी थी। क्या समझ रहे हो बात, इंप्रूवमेंट जरूरी है, व्यूज के पीछे मत भागो, इंप्रूवमेंट के पीछे भागो। आपने आज बेहतर क्या किया कल से, राइट। तो जब भी आप अपनी वीडियो बनाइएगा, अच्छी कंटेंट रिसर्च करिएगा, स्क्रिप्टिंग अच्छी करिएगा, अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइएगा, कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ाइएगा, ट्रेंड को फॉलो करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो भले समय लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, जिंदगी बीत जाए, लेकिन एक दिन आप वायरल जरूर हो, नोबल प्राइज आपको जरूर मिलेगा, भले मरने के बाद मिले। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, पहले टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं थी, अभी आज देखो, आज अगर कोई इंसान अच्छा काम करेगा ना उसको नोबल प्राइज तुरंत मिलेगा, वो मरने के बाद वाला चांस बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आज सारे लोग अवेयर है, जानकारी है। पहले लोगों तक पहुंचा कि अरे यार इतना बढ़िया इंसान कोई था, इतना बढ़िया साइंटिस्ट था, तब लोगों ने प्रेशर डाला कि यार इसको ये प्राइज मिलना चाहिए था, तब जा करके वो मिला। बट आज अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी है, तो आज उस चीज में रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। तो अगर कहने का मतलब आप यूट्यूब पर हो भाई, यूट्यूब पर रिस्पॉन्स मिलने में टाइम नहीं लगता, दिनों दिन रातों रात लोग बन जाते हैं, लेकिन पीछे आपको एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, उसमें भी आपको समय लगेगा, कितना लगेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक वीडियो ऐसी आएगी जो आपको राजा बना के जाएगी। एक एक डोंट्स में आपको और हम बताते हैं, बहुत तगड़ा डोंट है, और वो ये है ना कि यूट्यूब पर अपनी पहचान आप कैसे बनाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब होता नहीं कि यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं, देखो आप पर्सनली किसी को नहीं जानते हो, आप पर्सनली किसी एक्टर से नहीं मिले हो, पर्सनली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं किसी मिले हो क्या आप? नहीं मिले, बट सबकी एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में है ना, सलमान खान कैसा है, शाहरुख खान कैसा है, आमिर खान कैसा है, अक्षय, सबकी आइडेंटिटी आपके दिमाग में बन रही कि नहीं बन रही? बिल गेट्स कैसे हैं, मोदी जी कैसे हैं, राहुल गांधी कैसे हैं, सबकी आइडेंटिटी आपके दिमाग में बन रही है। और YouTube एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी आइडेंटिटी जैसी चाहो वैसी बना सकते हो। कैसी आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, और यहां बिगड़ती भी बहुत जल्दी है आइडेंटिटी, तो आपको बहुत संभल के चलना है। मतलब ये ट्रेंड गेम है, अपनी आइडेंटिटी को मिनटों में खराब कर सकते हो और मिनटों बना तो नहीं सकते हो फिर तो, मतलब अगर ऐसा कोई केस आ गया तो बन भी जाएगी, क्योंकि अगेन यूट्यूब है, कुछ भी हो सकता है। बट आप अपनी आइडेंटिटी को साफ सुथरा और अच्छा बना के चले, भले ही यहाँ पे कितने नालायक हो वहां पे नहीं दिखना है। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी आए आपको उसमें जाना ही नहीं, आपको बस अपना काम से लोगों को दिखाना है, लाइक सचिन तेंदुलकर सर, समझ रहे हो ना, एकदम कूल रहो। जितना ज्यादा कूल रहोगे ऑडियंस की आइडेंटिटी आपकी अपने आप बन रही है, छाप अपनी छोड़ते जा रहे हो, समझ रहे हो ना। जितने काम रहोगे आप, YouTube पर कोई कितना गंदा बोले आप और अच्छी वीडियो बना के दो है, समझ ना, अपनी भड़ास अपनी वीडियो से निकालना, और अच्छा कंटेंट बना के और अच्छी चीजें और अच्छी वैल्यू दे करके निकालना, अपनी भड़ास इस तरीके से निकालना, ना कि सामने वाले को दबाना, सामने वाले से बहस करना, कंट्रोवर्सी करना, न्यूज में जाना, नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने काम से लोगों को दिखाना और दबाना। कुल मिलाकर के आप ऐसी आइडेंटिटी बना रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना।
कुल मिलाकर के यार YouTube क्या ही है, मैं क्या बताऊं आपको, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीज, इतनी ज्यादा साफ सुथरी चीज है, जहां पर सब दिखता है, गलत सही जैसा है वैसा दिखेगा आपको। तो आप ऑथेंटिक रहें, सही कंटेंट बनाएं, अपनी आइडेंटिटी को कभी खोए मत, कंट्रोवर्सी में ना पड़े, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे यूट्यूब से।